आप सभी को गुड इवनिंग। मैं जितेंद्र कुमार मिश्रा के इनोवेशन क्लासेस से। अभी तक हम लोगों ने इतिहास के बारे में जो पढ़ा था उसके आगे हमारा आप चर्चा करेंगे और उनके बारे में जानेंगे, उनको देखेंगे, सुनेंगे। मैंने जिस तरीके से अगले क्लास में चर्चा किया था उसको हम 2 मिनट के लिए रिविजन कर लेते हैं। जैसे प्रागैतिहासिक काल, अध्य ऐतिहासिक काल, इन सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद पाषाण काल के बारे में पढ़ा। उसके बाद पाषाण काल के बारे में पढ़ने के बाद उस समय चित्रित धूषण मृदभांड जितने भी प्रकार के पाए गए, तीनों में कॉमन मृदभांड जो पाए गए, यानी कि तीनों में समान रूप से जो पाए गए, उन पर हम लोगों ने चर्चा किया। अब उसके आगे की क्लास के थ्रू हम लोग चर्चा करेंगे ठीक है। तो जो जो भी खोजे हुई ऐतिहासिक काल में उनके सभी, जो पूरे विश्व में अगर हम बात करें या भारत की हम बात करें, तो भारत में इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय नाम से इस समय जो संग्रहालय चल रहा है वह भोपाल राज्य में स्थित है, ठीक है। अब उस पर हम क्या करेंगे, अब उसके आगे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मृदभांड के ऊपर हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। अब हम चर्चा करेंगे कि तीनों में जो कॉमन मृदभांड पाया गया था वो था चित्रित धूसर, या उसको कहें कि कृष्ण लौहित मृदभांड, कृष्ण लौहित मृदभांड उनको हम कह सकते हैं, यानी कि काले लाल मृदभांड, कृष्ण लौहित मृदभांड को हम कह सकते हैं काले लाल मृदभांड, ठीक है। तो इसके आगे हम चलते हैं। अब हम बात करते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। तो हम बात किस पर करेंगे, मेसोपोटामिया की सभ्यता पर, ठीक है। हम क्लास कौन सी पढ़ रहे हैं, इतिहास, हिस्ट्री, ठीक। यहां पढ़ेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या थी उनके बारे में पहले हम जान लेते हैं। यह यूफ्रेटिस तथा टिग्रिस नदी के किनारे स्थित थी। क्या कहा थी, यूफ्रेटिस तथा टिग्रिस नदी के किनारे स्थित थी, जो कि यह ग्रीक ग्रामीणीय सभ्यता थी। क्या थी, ग्रीक ग्रामीणीय सभ्यता थी। जैसे कि एक शहर होती है शहरी सभ्यता, एक होती है ग्रामीण सभ्यता। तो इस समय शहरी सभ्यता ज्यादा पॉपुलर हो रही है इस कारण से क्योंकि शहर में लोग रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन उस समय क्या थी, वो शहरी और ग्रामीण दोनों सभ्यताएं होती थी, शहरी और ग्रामीण दोनों सभ्यताएं होती थी उस समय में, ठीक है। और यह सभ्यताएं जो है लगभग मान के चलिए कि 5000 BC के आसपास की यह सभ्यता थी, जो यूफ्रेटिस तथा टिग्रिस नदी के किनारे स्थित थी, ठीक है। और यह सारी की सारी क्या थी, ग्रामीणीय सभ्यता थी। और यहां से जो साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, वो किए गए हैं कृषि के साक्ष्य। क्या किए गए हैं, कृषि के साक्ष्य। यहां से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कहां प्राप्त हुए हैं, कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वहां से खेती करने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हम यहाँ क्या बात करते हैं, जैसे यह मेसोपोटामिया की सभ्यता यूफ्रेटिस तथा टिग्रिस नदी के किनारे स्थित थी। दूसरा पॉइंट, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। और यहां से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए कृषि के साक्ष्य, इसके कृषि यानी कि खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं,
खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहां से खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सबसे ग्रामीण अगर हम सभ्यता की बात करेंगे तो क्योंकि ये सबसे पुरानी थी 5000 BC, 5000 BC, तो इसको हम कह सकते हैं सबसे प्राचीन अगर हम कहें ग्रामीण सभ्यता या पुरानी ग्रामीण सभ्यता या सबसे ग्रामीण सभ्यता, ये तीनों की तीनों हम कह सकते हैं, तो सबसे प्राचीन ग्रामीण सभ्यता, सबसे प्राचीन ग्रामीण सभ्यता। सबसे प्राचीन ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। और यह चारों तरफ से विकसित थी। चारों तरफ के मतलब क्या है, यह मेसोपोटामिया पे तो थी, उसके साथ ये सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, उसके बाद आरिशिया की सभ्यता, कैट्रिया की सभ्यता, ये चारों के चारों सभ्यताओं को ये अपने आप में मिला करके लेकर के चलती थी। यानी कि चारों के चारों सभ्यताएं मेसोपोटामिया से ही रिलेटेड है। अगर कहा जाए कि उनसे लगी हुई सभ्यताओं के बारे में तो आस्ट्रिया की सभ्यता, कैट्रिया की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता और मेसोपोटामिया या सीरिया की सभ्यता, इन सब के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। मेसोपोटामिया के जो हम पढ़ते हैं वहां पर, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी सभ्यता आती है, इसमें पहली जो सभ्यता आती है वो है आस्ट्रिया की सभ्यता। आस्ट्रिया की सभ्यता, उसके बाद दूसरा कैट्रिया की सभ्यता, कैट्रिया की सभ्यता, थर्ड इसमें जो आती है वो होती है बेबीलोन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, थर्ड जो आती है वो क्या है, बेबीलोन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, ठीक है। उसके बाद अंतिम जो आती है वो सुमेरियन की सभ्यता, चौथा क्या है, सुमेरियन की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता। इसमें जो सबसे फेमस है वो है बेबीलोन की सभ्यता, उसमें जो सबसे फेमस है वो क्या है, बेबीलोन की सभ्यता। यहीं पर जो है सिकंदर की मृत्यु हुई थी और उनका जो घोड़ा था सबसे प्रिय घोड़ा जिसका नाम था बुकेफराल, क्या नाम था उसका, बुकेफराल, वह यहीं पर ही अपना दम तोड़ दिया था, यानी कि मर गया था, और यही उसकी समाधि बनाई गई जो कि प्रथम समाधि पहले बेबीलोन में ही, सिकंदर की भी समाधि वहीं पर ही बनाई गई, बेबीलोन में ही सिकंदर की समाधि भी बनाई गई, ठीक है। इसके बाद आता है मिस्र की सभ्यता, इसका क्या आता है, मिस्र की सभ्यता। अब मिस्र की सभ्यता हम जानेंगे, मिस्र की सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो नील नदी के वरदान के रूप में जानी जाती है, नील नदी के वरदान के रूप में जानी जाती है, क्यों, क्योंकि वहां खेती के साधन बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है लेकिन जल वहां नहीं है, जल वहां नहीं है। और नील नदी जब अपने उफान पर आती है तो वहां पर जल सही तरीके से वितरण हो जाता है और सभी जगह पहुंच जाता है, जिससे खेती करने में वहां बहुत ही सहायक होता है, खेती करने में कैसा होता है, बहुत ही सहायक होता है। इस कारण से मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नील नदी का वरदान कहा जाता है। और यहाँ का राजा एक फिरौन था, फिरौन यहाँ के राजा फिरौन है, यहाँ मिस्र के ही सभ्यता में ही केमिस्ट्री का जनक है, यहाँ मम्मी, एलियन, भगवान पर, इन सब पर ये लोग भरोसा बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। और यहाँ जो साक्ष्य मिले हुए हैं वो मिले हुए हैं त्रिभुजाकार, कैसे मिले हैं, त्रिभुजाकार, इस तरह से त्रिभुजाकार, यहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ के तरीके से बनाए हुए मिले हैं, जो काफी त्रिभुजाकार की मात्रा में इस तरह से मंदिर टाइप के
और पत्थरों को ले जा करके ऊंचे ऊंचे रख करके वो अपने शौक के लिए लोग इसको बनाते थे, लोग इसको क्या करते थे, बनाते थे, ठीक है। और इसको पिरामिड कहा जाता था, खिज्र नामक क्षेत्र में सबसे ज्यादा पिरामिड की मात्रा वहां पर पाई गई है। कहाँ पाई गई है? खिज्र नामक क्षेत्र में सबसे ज्यादा पिरामिड की मात्रा पाई गई है। तो अब हम मिस्र के बारे में चर्चा करेंगे, मिस्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ आ गया मेसोपोटामिया की सभ्यता में? मेसोपोटामिया की सभ्यता यूफ्रेटिस का टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, कृषि खेती के साक्ष्य वहां से प्राप्त हुए हैं। और ग्रामीण सभ्यता में सबसे प्राचीन की अगर हम बात करें तो वहां पर 5000 BC से पुरानी ग्रामीण सभ्यता पाई गई है। इसमें चार प्रकार की सभ्यताएं हैं, पहली है ऑस्ट्रिया की सभ्यता, दूसरी कैट्रिया की सभ्यता, तीसरी बेबीलोन की सभ्यता, चौथी मेसोपोटामिया की सभ्यता। बेबीलोन की सभ्यता हम बात करते हैं तो हम सिकंदर की चर्चा जरूर करते हैं कि बेबीलोन में ही उसकी मृत्यु और उसके घोड़े की मृत्यु वहीं पर हुई थी और समाधि यहीं पर ही है, ठीक है। तो अब हम बात करें कि मिस्र की सभ्यता, किसकी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता के बारे में हम चर्चा करते हैं। मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इसे नील नदी का वरदान कहा जाता है, इसे नील नदी का वरदान कहा जाता है। नील नदी का वरदान कहा जाता है, नील नदी का वरदान कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? नील नदी का वरदान, इसे नील नदी का वरदान कहा जाता है, ठीक है। सेकंड, इसे नील नदी का वरदान कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यहां पर कृषि के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पानी, और पानी यहाँ पर नील नदी के बहाव के कारण ही अधिक मात्रा में यहाँ प्रयोग होते हैं, जिस कारण से इनको नील नदी का वरदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नील नदी का वरदान, ठीक है। यहाँ का जो राजा था उसका नाम क्या था? फिरौन। क्या नाम था? फिरौन, फिरौन। यहाँ का जो राजा था उसका नाम क्या था? फिरौन, ठीक है। इसको केमिकल की भी सभ्यता कही जाती है, यानी कि अगर कहा जाए तो इसको केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है, केमिस्ट्री का जनक, जनक। उसके बाद ममी, एलियन, उसके बाद भगवान, भगवान, इन सारे पर ये लोग बहुत भरोसा करते थे। क्या करते थे? ये लोग इन पर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे, ठीक है। अभी मैंने कहा कि केमिकल का जनक, ठीक है, केमिकल का जनक, जनक इन्हें ही कहा जाता है। जो हम लोग केमिस्ट्री में केमिकल के बारे में पढ़ते हैं, ये लोग क्या करते थे कि जो वहां के व्यक्ति मर जाते थे उनको ये किसी केमिकल पे लेटा करके किसी जगह पर, और उन पर उस केमिकल का पुतैया कर देते थे ब्रश से, उसके बाद उसको कपड़े में लपेट करके खूब बढ़िया तरीके से बांध दिया करते थे। अब बांधने के बाद उनको कहीं पर ताबूत में किसी अंतिम तरीके से रख करके कीली मार करके उनको रख दिया जाता था, उनको कीली मार करके रख दिया जाता था, ना कि उनको जलाया जाता था और ना ही उनको दफनाया जाता था। दफनाने और जलाने का कार्य नहीं करते थे, ये क्या करते थे कि उनमें केमिकल लगा करके उनको कपड़े से लपेट करके रख दिया जाता था, और उसी तरीके से वह शरीर पड़ी रहती थी, वह कभी खराब
नहीं होती थी, इसीलिए उनको केमिकल का जनक कहा जाता है। उसके बाद मम्मी वही जो केमिकल लगा करके बना करके उनको रखते थे, उनको ये लोग मम्मी बोलते थे। क्या बोलते थे? मम्मी, ठीक है। उसके बाद एलियन पर ये लोग विश्वास करते थे कि हाँ, दूसरे भी कोई प्लैनेट होते हैं जिन पर एलियन पाए जाते हैं या दूसरे पर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद भगवान की अगर हम बात करें तो भगवान में आजकल हम लोग भी श्रद्धा रखते हैं, वो लोग भी श्रद्धा रखते थे और भगवान को हर कोई मानता है। तो उस समय भी प्राचीन काल में ये ग्रामीण सभ्यता होने के साथ साथ ये भगवान को भी मानते थे, ये क्या करते थे, भगवान को भी मानते थे। उस समय तात्कालिक वहां का जो राजा था उसका नाम था फिरोन। क्या नाम था? फिरोन। और मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है, मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है, ठीक है, नील नदी का वरदान कहा जाता है। खिज्र क्षेत्र जहां से पिरामिड बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं, पिरामिड अधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन लोगों को शौक था बड़े बड़े ऊंचे पत्थरों के शिलाखंडों को तोड़ करके बना करके त्रिभुजाकार एक प्रकार की आकृति, अगर कहें तो त्रिभुजाकार एक प्रकार की आकृति कुछ इस तरह से, और उसको खूब बढ़िया पत्थरों से उसको सजा करके ये लोग बना करके खड़ा करते थे। खड़ा करते थे जिससे बहुत ही सुंदर देखने में ये लगता था, कुछ ऐसे इस तरीके से पत्थरों को जोड़ करके ये लोग खड़ा करते थे, ठीक है। तो खिज्र नामक क्षेत्र से पिरामिड बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं, तो मिस्र की सभ्यता की अगर हम बात करें तो इसे नील नदी का वरदान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ खेती के कार्य अधिक मात्रा में थे, पर पानी की उपलब्धि ना होने के कारण, पानी शुरुआती प्रारंभिक तौर पर ना मिलने के कारण से उनमें काफ़ी परेशानियां होती थी। लेकिन नील नदी के कारण ये परेशानियां जब दूर हो गई तो मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाने लगा, और वहाँ के तात्कालिक जो राजा थे उनका नाम था फिरोन। क्या नाम था? फिरोन। केमिस्ट्री का जनक या केमिकल के प्रयोग का जनक अगर कहा जाए तो वह मिस्र को ही माना जाता है। यहाँ से मम्मी, एलियन और भगवान तीनों के होने का साक्ष्य मिलता है, उसके बाद खिज्र नामक क्षेत्र से पिरामिड की बहुत अधिक मात्रा मिली है, ठीक है। उसके बाद जो आता है वो है रोमन की सभ्यता। किसकी है? रोमन की सभ्यता। अब हम लोग रोमन की सभ्यता के बारे में चर्चा करते हैं, ये यहां तक समझ में आ गया होगा, रोमन की सभ्यता, ठीक है। मम्मी और भगवान, ठीक है, हम बात करेंगे रोमन की सभ्यता। रोमन की सभ्यता जब हम बात करते हैं तो वहां यह सभ्यता 600 बीसी की थी, यानी कि 600 ईसा पूर्व की यह सभ्यता थी, ठीक है। तो 600 ईसा पूर्व की यह सभ्यता होने के कारण थोड़ी प्राचीन भी थी, यानी कि पुरानी सभ्यता थी, और यहाँ इटली की सभ्यता कही जाती थी। क्या कही जाती थी? इटली की सभ्यता कही जाती थी, ठीक है। और यह भूमध्य रेखा पर स्थित होने के कारण यह हमेशा चर्चा में रहती थी,
पर स्थित होने के कारण इसका विकास जो है काफी अधिक मात्रा में हुआ। इसका विकास प्रारंभिक तौर पर अगर कहें तो अधिक मात्रा में हमेशा हुआ, ठीक है। और यह जो रोमन है यह यूरोप में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूरोप में। यह यूरोप में स्थित है और इसमें ऑगस्टस और जूलियस सीजर दो लोग ऐसे पाए गए जिनके नाम पर महीने का नाम रखा गया, जिनके नाम पर महीने का नाम रखा गया, ठीक है। तो रोमन की सभ्यता में पहले ऑगस्टस और जूलियस सीजर, ऑगस्टस तथा जूलियस सीजर ये दो लोग ऐसे पाए गए जिनको कैलेंडर में नाम के रूप में रखा जाता है, अगस्त महीना, और जूलियस सीजर को जुलाई महीने के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है। इस यह यूरोप में स्थित है, रोमन की सभ्यता यह यूरोप में स्थित है। यूरोप में क्या है? ये स्थित है और यूरोप में स्थित होने के कारण यह इटली की भी सभ्यता कही जाती है और यह भूमध्य रेखा पर स्थित है, इसलिए विकासशील है, ठीक है। इसे इटली की सभ्यता भी कहते हैं, इटली की सभ्यता, सभ्यता क्या कहते हैं? इटली की सभ्यता, ठीक है। यूरोप की भी सभ्यता कहते हैं, यूरोप में स्थित होने के कारण इटली की सभ्यता और उसके बाद इटली की सभ्यता तथा भूमध्य रेखा पर स्थित होने के कारण विकासशील। भूमध्य रेखा पर स्थित, इसके कारण विकास, इसके कारण विकास अधिक मात्रा में हुआ, इसके कारण विकास अधिक मात्रा में हुआ। तो हम लोगों ने देखा पहले मिस्र की सभ्यता जिसे नील नदी का वरदान कहा जाता है, फिरौन यहाँ के राजा हैं, केमिस्ट्री का जनक, ममी, एलियन और भगवान तीनों पाए जाते हैं, केमिकल का जनक इन्हें कहा जाता है, और खिज्र क्षेत्र जो कि पिरामिड अधिक मात्रा में है, पिरामिड अधिक मात्रा में खिज्र नामक क्षेत्र में पाया गया है। रोमन की सभ्यता, इसमें ऑगस्टस और जूलियस सीजर दो व्यक्ति पाए जाते हैं जिनके नाम पर हमारे कैलेंडर का नाम पड़ा हुआ है, ग्रेगरियन कैलेंडर में ऑगस्टस अगस्त महीना, जूलियस सीजर जुलाई महीना। रोम यूरोप में इटली की सभ्यता इसे कही जाती है। भूमध्य रेखा पर स्थित होने के कारण यह पूर्ण तरीके से विकासशील है, इटली पर स्थित होने के कारण यह पूर्ण तरीके से विकासशील है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं फारस की सभ्यता पर। फारस की सभ्यता क्या है? फारस की सभ्यता गुजरात के भारत में स्थित है, ठीक है। आगमन ये आए, पहले फारस जो है गुजरात में आए और गुजरात में जब ये आए तो उसी समय भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ, और तक्षशिला से मगध नरेश धनानंद और तक्षशिला नरेश राजा आम्बे इन दोनों लोगों ने मिल करके फारसियों को भगा दिया। तो विदेशी ये फारस जो थे ये विदेशी थे, ये मूल रूप से गुजरात में रहने के लिए आए थे और अपना व्यापारिक कारोबार बढ़ाने के लिए आए थे, लेकिन क्या हुआ कि इनकी कारोबार की स्थिति चली नहीं और सिकंदर के आक्रमण से तथा तक्षशिला में स्थित महाराज आम्बिक और मगध नरेश धनानंद ने और उसके उसी के समकक्ष लोगों ने उसको मार करके वहां से भगा दिया, फारस को वहां से भगा दिया गया था, ठीक है। और कहे तो सिकंदर तथा मुस्लिम आक्रमणों से यह क्या किया, डर करके भाग गया, ठीक है। उस बाद हम बात करते हैं चीन की सभ्यता, किसकी? चीन की सभ्यता पर हम बात करते हैं। किस पर बात करते हैं? चीन की सभ्यता पर।
फारस की सभ्यता की अगर हम बात करें, फारस की सभ्यता, फारस की सभ्यता, तो इसमें पहला पॉइंट जो है वो है कि यह गुजरात में आए, भारत के गुजरात में, लेकिन सिकंदर सिकंदर तथा मुस्लिम आक्रमणकारियों से डर करके ये लोग भाग गए, और कहें तो इन लोगों को मार करके उन लोगों ने भगा दिया। उसके बाद हम बात करते हैं चीन की सभ्यता, इस पर हम बात करते हैं चीन की सभ्यता पर। अब इसके बाद हम लोग चीन की सभ्यता पर बात करते हैं, ठीक है। बात करते हैं चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता इसे हुआंगहो नदी का शोक कहा जाता है। हुआंगहो नदी जो है, जो चीन से होकर के बहती है, या इतना ज्यादा अपने अंदर उफान और बाढ़ लाती है कि जिससे चीन की खेती बाड़ी, जो जिस तरीके से है वो खेती करते हैं, वो पूरे के पूरे तरीके से तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और इन्हीं बर्बाद होने के कारण हुआंगहो नदी को चीन के शोक के रूप में कहा जाता है, चीन के जो है शोक के रूप में कहा जाता है। और इसे पीली नदी की भी सभ्यता कहा जाता है, चीन को पीली नदी की भी सभ्यता कहा जाता है। कागज तथा रेशम उत्पादन में प्राचीन समय में भी चीन बहुत आगे था, बहुत डेवलप था उस समय। जब आपके राज्य में उस समय राजराज प्रथम का शासन हुआ करता था, तभी से ही आगे की तरफ उसको पढ़ाएंगे आप सभी को, उस समय चीन के ऊपर पहली बार कोई अगर टैक्स लगाया था तो राजराज प्रथम था जिसने टैक्स लगाया चीन के ऊपर। और जितने भी व्यापार करता था चीन, उस व्यापार पर बगैर टैक्स दिए हुए वह नहीं जाता था, क्योंकि भारत के ऊपर से ही वह अपने सारे के सारे सामानों को लेकर के जाता था, ठीक है। तो चीन में उस समय रेशम उत्पादन तथा कागज उत्पादन अधिक मात्रा में होता था, रेशम उत्पादन तथा कागज उत्पादन अधिक मात्रा में होता था। इसे पीली नदी की सभ्यता तथा हुआंगहो नदी का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हुआंगहो नदी का शोक। तो पहला पॉइंट इसमें जो बनेगा वो है, इसे हुआंगहो नदी का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शोक। और इसे पीली नदी का सभ्यता कहा जाता है, पीली नदी की सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीली नदी की सभ्यता। पेपर तथा रेशम उत्पादन उस समय चीन अधिक मात्रा में करता था, ठीक है। चीन उस समय अधिक मात्रा में उत्पादन करता था। अगला है स्पार्टा की सभ्यता। क्या है अगला? स्पार्टा की सभ्यता। स्पार्टा की सभ्यता, स्पार्टा की सभ्यता
इसका एक उपनाम भी है, इसे वीरता की सभ्यता कहा जाता है, वीरता की सभ्यता, इसे वीरता की सभ्यता भी कहते हैं। क्यों क्यों इसे वीरता की सभ्यता कहते हैं? क्योंकि यहां 300 लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी 10 साल के लिए दी जाती है। उन्हीं 300 लोगों को 10 साल के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। ये क्या करते हैं कि 1000 लोगों को भी अकेले मारने में सक्षम होते हैं। ऐसा वहां कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति उस समय वहां पैदा होता है, उसको 10 साल पहले ट्रेनिंग पूरा करने के बाद में, 10 साल पहले ट्रेनिंग पूरा करने के बाद में कम से कम 5 साल तक वहां जिस भी विभाग में उनकी नियुक्ति की जाएगी या बॉर्डर की रक्षा के लिए वो करते हैं, और उनके सारे परिवार का रहना खाना भोजन पानी सारी व्यवस्थाएं जो होती है और रहने के लिए सारे के सारे वहां के सरकार देखती है, वहां की क्या करती है सरकार देखती है। यहाँ की वीरता की कहानियों में बहुत ज्यादा होता है। यहाँ 300 की फौजें होती हैं। लियोनाइडस वहां का जो राजा था, लियोनाइडस, और वहां का एक दुश्मन राजा था जिसका नाम था वर्कनीज। क्या नाम था? वर्कनीज। तो लियोनाइडस के ऊपर एक बार वर्कनीज ने अपने 10,000 सिपाहियों के साथ आक्रमण कर दिया, लेकिन लियोनाइडस ने क्या किया, अपने 300 फौजों को लेकर के उन्हीं 300 से उनके 10,000 सिपाहियों को भी मार करके गिरा दिया, 10,000 सिपाहियों को भी मार करके गिरा दिया। इस कारण से स्पार्टा की सभ्यता को वीरता की भी सभ्यता कहा जाता है, वीरता की भी सभ्यता कहा जाता है। 300 फौज लियोनाइडस तथा यहां का जो इनका दुश्मन राजा था उसका नाम था वर्कनीज। वर्कनीज ठीक है। तो ये आपके है स्पार्टा की सभ्यता। अब इसके बाद हम लोग ऐतिहासिक काल की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने देखा चीन की सभ्यता, स्पार्टा की सभ्यता, रोमन की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, आस्ट्रिया की सभ्यता, कैट्रिया की सभ्यता, इन सारे सभ्यताओं के बारे में हम लोगों ने देखा और जाना, अब हम इसके बाद ऐतिहासिक काल में चलेंगे ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐतिहासिक काल में चलेंगे और ऐतिहासिक काल को पढ़ना हम लोग चालू करेंगे, ठीक है। ऐतिहासिक काल ऐतिहासिक काल में आपके कई खंड हैं जिनमें हम लोग पढ़ेंगे, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्री, उसके बाद साहित्यिक कार्यकाल, तो एक तरफ से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। तो इसमें पहला क्या पढ़ेंगे, पुरातात्विक स्रोत। पहला पुरातात्विक स्रोत, उसका पढ़ेंगे विदेशी यात्री। उसके बाद थर्ड जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साहित्य काल। उसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, साहित्य काल। तो पुरातात्विक स्रोत में जो हम लोग पढ़ेंगे
वो पढ़ेंगे सिक्का तथा अभिलेख। क्या पढ़ेंगे? सिक्के तथा अभिलेख। सिक्का और दूसरा अभिलेख। अभिलेख इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें पूरा तात्पर्य स्रोत में सिक्का और अभिलेख। सिक्के से जो हमारा तात्पर्य यह है कि जिस कार्यकाल में या जिनके कार्यकाल में जिस धातु के सिक्के चलाए गए, जिस धातु के सिक्के चलाए गए उस धातु के बारे में, और कौन से सिक्के किस काल में चले और किस व्यक्ति ने चलवाया या किस राजा ने चलवाया उसके बारे में जानकारी करेंगे, और शिलालेख, अभिलेख, स्तंभ लेख, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग यहाँ अभिलेख में देखेंगे जिस तरीके से बना हुआ, जिस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे विदेशी यात्री कि चाहे वो फारस से आए हों या चीन से आए हों या कहीं से भी आए हों, जितने विदेशी यात्री हैं उनको हम विदेशी यात्रियों के अंतर्गत पढ़ेंगे, विदेशी यात्रियों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। और जब धार्मिक साहित्य की हम बात करेंगे तो साहित्य में दो खंड हैं, साहित्य में आपके दो खंड हैं, एक है धार्मिक और एक है गैर धार्मिक। पहला क्या है? धार्मिक तथा दूसरा गैर धार्मिक। गैर धार्मिक, गैर धार्मिक, ठीक है, गैर धार्मिक, उन पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद गैर धार्मिक में जो भी आएंगे उनको उसमें पढ़ा जाएगा। उसके बाद धार्मिक में दो तरह के हैं, धार्मिक में दो तरह के हैं, पहला है ब्राह्मण, दूसरा है गैर ब्राह्मण, ठीक है। पहला क्या है? पहला है ब्राह्मण और दूसरा गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण और दूसरा गैर ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण, ब्राह्मण धर्म, उसके बाद गैर ब्राह्मण धर्म पढ़ेंगे। गैर ब्राह्मण धर्म में जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र हो गया, कृष्ण द्वापायन द्वारा लिखी हुई महाभाष्य कविता हो गई, फिर उसके बाद मालविका मित्रम कालिदास जी द्वारा लिखा गया, तो ये सब हम गैर धार्मिक में पढ़ेंगे। ब्राह्मण धर्म में आपके जो है ब्राह्मणों द्वारा जो सदग्रंथ हैं, चारों वेद हैं, उपवेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, इन सारे के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। गैर धार्मिक में दो ही आते हैं, वो हैं बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दो हैं। पहला है बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, और दूसरा जैन धर्म, जैन धर्म, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्या करेंगे? इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो कल से हम लोग ऐतिहासिक काल में प्रवेश करेंगे, उसमें पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्री और साहित्यिक स्रोत के बारे में बात करेंगे। तो उसमें सिक्का और अभिलेख या पुरातात्विक स्रोत हैं, विदेशी यात्रियों में जो जो आए हुए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। उसका साहित्यिक स्रोत में धार्मिक और गैर धार्मिक, धार्मिक में दो है ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण में दो है बौद्ध एवं जैन, बौद्ध एवं जैन, इनके बारे में हम और बात करेंगे, ठीक है। इसी तरह के और भी वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं जितेंद्र कुमार मिश्रा के भी इनोवेशन क्लासेस और हिस्ट्री की बहुत ही बढ़िया टॉपिक्स के बारे में जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं सारी की सारी जानकारियां आपको यहां दी जाएगी। थैंक यू।